क्लिफ हाई का कहना है कि सारे अब्रामिक रिलीजन, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जूस, दे आर एक्चुअली एलोहिम वर्शिपर, एलियंस वर्शिपर, जिन्होंने उन पे कब्जा किया था. दे आर टॉकिंग अबाउट दैट. बाइबल डिकोड किया है हिस्टोरियंस ने कि ये मीन्स क्या, ये मीन्स क्या. तो एलोहिम, एलोहा, तो बेसिकली कॉलोनाइजर थे वो लोग, जगह कब्जा करते थे और खुद को बादशाह, भगवान का अवतार घोषित करते थे और सबको उनकी पूजा करनी पड़ती थी. ये इंडिया में भी होता था कि पहले राजा को भगवान का दर्जा देते थे. तो उनका कहना है कि एलियंस ने कब्जा किया था एंड सारे अब्रामिक रिलीजन एलियन की पूजा करते, एलोहिम की पूजा करते और जेनेटिक मॉडिफिकेशन काफ़ी टाइमों से है. ये लोग कुछ तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, एलियंस का प्लान है और पूरा कब्जा करके रखा है सब चीज़ों पे. अभी एक कैंसर का पुतिन बोल रहा था. देखो, पहला बात तो देर इज़ नो प्रूफ इनका जो टोचन है इट वर्क्स, और ये लोग घुसाए जा रहे नया नया नाम लेके बीमारी का घुसाए जा रहे. चल, अब भी मैंने टोचन लिया तो मेरे को कितने साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा टू प्रूव कि दिस टोचन वर्क्स. और जिस बीमारी का टोचन है वो मेरा बीमारी होगा नहीं. पकड़ो, ऐसा टाइम फ्रेम रखते हैं कि 10 साल वो बीमारी नहीं होगा. उतना वेट ये लोग ने किया ही नहीं है, अब भी टोचन बनाया घुसाया. सो देर इज एक्चुअली नो प्रूफ कि दिस थिंग वर्क्स. और मेनली तेरा प्रोटीन इंजीनियरिंग इतना सुपर्ब है कि आगे के 50 साल तक मेरे को कोई बीमारी नहीं होगा, इसका सॉल्यूशन है तेरे पास. तो अभी ये ले कैंसर का पेशेंट, इसको ठीक करके दिखा. देर इज एक्चुअली नो प्रूफ वेदर दिस टेक्नोलॉजी वर्क्स और नॉट, पर प्रोपेगेंडा से लोगों को घुसाए जा रहे. और एज यूजुअल अमिताभ भाई शिंगल्स का टोचन प्रमोट कर रही है. जानवी भाई HPV और पूनम भाई भी HPV वाला प्रमोशन चालू है. सारे भाई लोग इनके काम पे लग गए हैं प्रोपेगेंडा के. कुछ भी कारण निकाल के, बीमारी निकाल के, नया नया नाम वाला बीमारी निकाल के टोचन घुसाया जा रहा है. ये किस लिए है? दैट इज द मेन क्वेश्चन, किस लिए घुसाया जा रहा है? कमीशन का झोल तो आई, ये अनपढ़ गवार मतलब ये, पर ये लोग शामिल है उसमें. दे नो कि दिस थिंग डजंट वर्क, देर इज नो प्रूफ दैट दिस थिंग वर्क्स, पर ये लोग खरीद रहे हैं पैसा देके. ऑफकोर्स 90% कमीशन के लिए, और हर एक वैरायटी ऑफ टोचन खरीद के घुसाएंगे. एक एंगल ये है अकॉर्डिंग टू क्लिफ हाई, एलेक्स जोन्स, कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं लोगों का, इसलिए इनका जो रिसर्च है वो बीमारी क्योर करने का है ही नहीं, क्योंकि कुछ लोगों में बीमारी है तो उसके लिए तो दवाई नहीं बना रहा है,
दवाई बना रहा है जिसको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उसको ऐसा बोल के दिया जा रहा है कि आगे चल के तेरे को ये बीमारी नहीं होगा, और ऐसा करके 500 घुसाने का है। इकोनॉमिक फोरम का वेबसाइट पे ही लिखा है कि 500 घुसाएंगे एडल्टहुड तक। तो अजीब सा है कि जो बीमार है उसके लिए रिसर्च और दवाई नहीं चल रहा है, और जो बीमार नहीं है उसके लिए टोचन बन रहा है और घुसाया जा रहा है। ये एंगल भी है, ऐसा मुझे भी लगता है, क्योंकि ये खेल इतना अजीब सा है कि पैसे का तो खेल नहीं है ये, कि इनको पैसा कमाने का है। मनी इज़ नथिंग, नंबर्स है वो, और ये लोग टाइप करके खुद के खाते में पैसा कितना भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मनी इज़ नॉट द मेन मोटिव बिहाइंड दिस। रिचुअल का हो सकता है, क्लाउड कंप्यूटिंग लार्ज स्केल में भेजने का हो सकता है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन का हो सकता है, या तीनों एक साथ भी हो सकता है। एक्चुअली सज़ा होनी चाहिए, ये जो प्रमोट कर रहे हैं अमिताभ भाई, पूनम भाई, इनका अरेस्ट और ये करना चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और ख़ास करके ये जो पनौती कब्जा करके रखा है सब जगह, मीडिया पे झोल पे झोल है इसका, और ये जब सत्ता से हटेगा तभी फाइल खुलेगा, देर इज़ ए चांस। ऐसे तुम बोलते हो कि कांग्रेस बीजेपी मिली हुई है, लेकिन ये अगर वापस सत्ता में आएगा तो खुद का जांच थोड़ी करेगा, और इसका ये जो अदानी के ये बेनिफिट पहुँचते जाएगा, और अगली बार अगर ये सत्ता में आया तो पूरा कंट्रोल इसका बहुत बढ़ जाएगा सब जगह, मतलब मीडिया फुल कंट्रोल, इंफॉर्मेशन कंट्रोल, CBDC, कंपलसरी टोचन, ये सब होगा। इसको हटाना बहुत ज़रूरी है, और इसका फाइल भी खुलना चाहिए, क्या क्या झोल किया है सब सामने आ जाएगा। ये मतलब बिग एक्सपोज हो जाएगा, एक्सपोजर हो जाएगा। मीनवाइल ये लोग नया नया इमेजिनरी बीमारी लेके टोचन घुसाए जा रहे हैं, और ऐसा लगता भी है कि मॉडिफिकेशन जेनेटिकली कुछ करने का, ह्यूमन एनिमल हाइब्रिड ऐसा कुछ बनाने का प्लान दिख रहा है, लग रहा है वैसा।